हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका फिर से स्वागत है। अब हम 11th जो यूनिट है हमारी अप्लाइड फिजिक्स की, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नैनो मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू नैनो मटेरियल्स, उसके बारे में आज बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू नैनो मटेरियल्स, नैनो पदार्थ क्या होते हैं और आजकल इनका क्यों इतना आकर्षण है, जो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं किताबों में, और रिसर्च भी काफ़ी कुछ नैनो मटेरियल्स के ऊपर हो रहा है। तो नैनो मटेरियल जनरली होते क्या हैं, तो आज की जो एक प्रचलित जो परिभाषा है नैनो मटेरियल्स के लिए, वो है एक नैनोमीटर से लेके जो 100 नैनोमीटर्स तक के जो पदार्थ होते हैं उनको हम नैनो मटेरियल्स बोलते हैं। यानी कि यदि कोई मटेरियल है जिसका आकार यदि 1 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप समझते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। अगर कोई पदार्थ इस आकार क्षेत्र के अंदर, साइज रेंज के अंदर आता है तो उसको हम नैनो मटेरियल कहते हैं। अब इसका जो आकार है, जरूरी नहीं तीनों ही विमाओं में इस रेंज के अंदर हो, यदि एक किसी पर्टिकुलर विमा के अंदर भी वो आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो हम उस पदार्थ को नैनो मटेरियल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक सिंगल एक वायर या एक थ्रेड की बात करूं या एक ट्यूब की बात करूं जिसका डायमीटर 1 से 100 नैनोमीटर रेंज के बीच में है, चाहे उसकी लंबाई नैनोमीटर रेंज से बाहर हो, तो भी वह पदार्थ नैनो मटेरियल कहलाएगा। इसी तरह यदि मैं एक शीट की बात करता हूं जिसकी थिकनेस नैनो रेंज मीटर के अंदर है, तो वह भी नैनो मटेरियल पदार्थ कहलाएगा। यदि मैं किसी पार्टिकल की बात करता हूं जिसकी त्रिज्या 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो भी वह नैनो मटेरियल कहलाएगा। तो जरूरी नहीं कि तीनों ही विमा में हमारे पास नैनोमीटर रेंज में हमारा साइज हो, किसी भी एक रेंज में अगर नैनोमीटर के अंदर साइज है तो हमारा पदार्थ नैनो मटेरियल कहलाएगा। अब नैनो मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कारण यह है कि जब हम किसी बल्क मटेरियल की बात करते हैं, या मैं किसी भी एक बल्क पदार्थ की बात करता हूं जो बल्क फॉर्म के अंदर है, यदि मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो क्या होगा? इस पदार्थ का कुछ सरफेस एरिया है, जहां से मैं इसको बीच में काटूंगा वहां से 2 सरफेस एरिया और जनरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब मैंने इसका इसका वॉल्यूम वही है, बस इसको मैंने बीच में से काट दिया, इसका जो आकार था वो मैंने परिवर्तित कर दिया। तो यहां पर देखिए, अब ये 2 सरफेस एरिया और जनरेट हो गए। इसका मतलब जब मैंने इस पदार्थ का साइज छोटा किया तो ओवरऑल मुझे जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मिला। ऐसे ही यदि मैं इसकी स्लाइस करता जाऊं तो इतने ही सरफेस एरिया जनरेट होते जाएंगे। और अगर मैं इसी पदार्थ को इतना बारीक कर दूं, इस पूरे वॉल्यूम को मैं इतना बारीक, छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में इसको जब मैं कन्वर्ट कर दूं जिसका आकार नैनोमीटर का है, तो उस कंडीशन में जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो इतना ज्यादा हो जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगर हम इस बल्क मटेरियल को देखें तो यहां पर जो आउटर सरफेस है, जहां पर जो एटम्स हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एनवायरमेंट के, या जो सरफेस पर एटम है, उनकी संख्या नैनोमीटर कोटि पर आते ही अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, अगर हम ओवरऑल पार्टिकल्स की बात करें तो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन यहां पर सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो नैनो मटेरियल की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इसकी जो बात है, वो है नैनो मटेरियल्स के लिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशो काफी ज्यादा होता है। यहां पर देखिए, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम का मान चेंज नहीं हुआ क्योंकि उतना ही पदार्थ हमारे पास है, लेकिन जो सरफेस एरिया है इसकी तुलना में नैनो मटेरियल्स, जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया नैनो मटेरियल्स के अंदर, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो एकदम से बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नैनो मटेरियल्स का,
कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो यानी कि सतह से जो आयतन का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण नैनो मटेरियल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इस कारण से इसकी जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर हम देख रहे हैं कि परमाणु ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका जो परिणाम है वो हम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप से देखते हैं। दूसरा, नैनो मटेरियल होने से क्या होगा? जब मैं नैनो मटेरियल की बात करता हूं, अगर मैं एक नैनोमीटर से और कम जाता हूं तो मैं, हम जानते हैं कि एटम का जो साइज है वो 1 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। अब इससे ज्यादा मैं करूंगा तो एटॉमिक स्तर पे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता हूं, तो ये एक मिनिमम हम साइज मान सकते हैं कि जहां पर हम किसी पदार्थ को, उस एलिमेंट को हम यूटिलाइज कर पाए। तो इस रेंज के अंदर जाने से क्या होगा? आप देखिए, जब मैं हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की जब बात करते हैं, तो जब परमाणु, एक सिंगल एटम की मैं बात करता हूं, ये उसका ग्राउंड स्टेट है उसकी, परमाणु की, और ये उसकी कोई एक्साइटेड स्टेट है जिसको हमने E1 से डिनोट किया। जब ये परमाणु आपस में, जब दूसरे परमाणु साथ में इसके जुड़ेंगे, देखिए आप, जब यहां पर कोई दूसरा परमाणु इसके साथ इंटरैक्शन करेगा इसी के जैसा बिल्कुल, तो इनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, अन्योन्य क्रिया इनके अंदर होगी, तो इससे जो परिणामी जो आपके ऊर्जा स्तर हैं वो, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल एक जैसा है, लेकिन क्योंकि पाउली का जो अपवर्जन नियम है, हम सभी ने उसको अच्छे से स्टडी कर रखा है, कि पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जिसकी सारी क्वांटम व्यवस्थाएं एक जैसी है, एक ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकते। इसीलिए, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक ही अवस्थाओं में हो सकते हैं, इसीलिए ये एनर्जी स्टेट्स अपने आप को थोड़ा सा, इनके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग हो जाती है, ताकि सारी अवस्थाएं एक जैसी ना रहे, तो पाउली अपवर्जन नियम को उसका वॉयलेशन नहीं हो, इसीलिए ये एनर्जी स्टेट्स अपने आप को इस तरह अरेंज करती हैं कि एक डबलेट, तीन होंगे तो ट्रिपलेट, और अगर मैं ज्यादा मात्रा में, जब हम बल्क मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स आप समझ सकते हैं, तो वहां पर ये जो, अगर मैं प्लस एन नंबर ऑफ एटम्स जोड़ लेता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये काफी छोटे छोटे ऊर्जा अंतराल के रूप में यहां पर एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये एक बैंड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जो बैंड है, जब बल्क मटेरियल की बात करते हैं हम, तो ऊर्जा स्तर ना समझ के उसको हम बैंड के रूप में समझते हैं। अब आप देखिए, यहां पर जो ऊर्जा स्तर है ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, यहां पर एनर्जी स्टेट्स के बीच में डिफरेंस है, यहां पर बैंड्स के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर एन एटम्स जुड़कर उन्होंने बैंड का निर्माण कर लिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो इनका जो गैप है, जिनको हम एनर्जी गैप से समझते हैं, जो एनर्जी गैप है वो यहां पर एक सिंगल एटम की तुलना में कम हो चुका है, और इसी के कारण जब हम नैनो रिजाइम क्षेत्र के अंदर आते हैं, नैनो साइज के अंदर आते हैं, तो वी कैन ट्यून दिस एनर्जी गैप, हम इस एनर्जी गैप को ट्यून कर सकते हैं, और ये एनर्जी गैप थोड़ा परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण नैनो मटेरियल्स के अंदर, स्पेशली जब हम 10 नैनोमीटर रेंज की बात करते हैं, तो वहां पर ये इफेक्ट काफी ज्यादा वहां पर हमें महसूस किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसी के कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जिससे आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सभी नैनो मटेरियल्स में बल्क मटेरियल की तुलना में डिफरेंट होती हैं, और हम काफ़ी कुछ वहाँ से जो
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम कैसे इंप्रूवमेंट करें। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नैनो मटेरियल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नैनो मटेरियल्स के अंदर क्वांटम प्रभाव ऑब्जर्व किए जा सकते हैं अगर हम साइज छोटा कर दें तो। वी कैन ट्यून दैट एनर्जी लेवल्स, हम एनर्जी लेवल को ट्यून कर सकते हैं। और इसी कारण जब हम 20 नैनोमीटर से कम जो साइज के पदार्थ हैं उनको हम क्वांटम डॉट्स भी बोलते हैं, क्वांटम डॉट्स, बिकॉज हम वहां पर क्वांटम प्रभाव ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वांटम डॉट का काफी ज्यादा उपयोग हो रहा है, और अगर हम साइज परिवर्तित करते हैं क्वांटम डॉट्स का तो हम उससे इमिट होने वाले प्रकाश को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बैंड गैप ज्यादा होगा तो जो निकलने वाला प्रकाश है वो रेड कलर का होगा, बैंड गैप कम होगा तो निकलने वाला प्रकाश ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जैसा कि एक सिंपल थ्योरी हमें कहती है। तो इस तरह नैनो मटेरियल में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल का चेंज हो जाता है जब नैनो मटेरियल की जब हम बात करते हैं। दूसरा, जब हम नैनो साइज पदार्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो नैनो साइज में जो ऑब्जर्वेबल जो इफेक्ट्स थे कि नैनो साइज अगर पदार्थ हो जाएगा तो क्या क्या ऐसे परिवर्तन हैं जो बल्क मटेरियल की तुलना में नैनो मटेरियल्स में होंगे। तो पहला था सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो गया, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो गया। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर था वो नैनो मटेरियल्स में डिफरेंट होता है बल्क मटेरियल की तुलना में, इसीलिए इनकी जो नैनो मटेरियल्स की जो कलर है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट होते हैं बल्क मटेरियल की तुलना में। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है वो भी डिफरेंट होती है, इंप्रूव्ड होती है। और अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो जैसे जैसे हम साइज कम करते जा रहे हैं तो हमें सभी को पता है कि यदि हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है। हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल भी परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, जिनको हम जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उन्हीं डिफेक्ट्स के कारण स्कैटरिंग होती है, उसी कारण उनके जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अगर हम नैनो साइज पदार्थ की बात करेंगे तो हम उसका साइज कम कर रहे हैं, साइज कम कर रहे हैं तो डिफेक्ट होने की जो संभावना है वो भी कम होती जा रही है। अब डिफेक्ट कम होंगे तो स्कैटरिंग भी उन डिफेक्ट्स के कारण जो हो रही है वो कम होगी। तो जब नैनो साइज पदार्थ की हम बात करते हैं तो उसमें जो चार्ज ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी समझ सकते हैं, तो आप स्कैटरिंग कम होने के कारण उनका जो प्रतिरोध है नैनो मटेरियल्स का वो भी बल्क मटेरियल की तुलना में कम होगा। तो तीसरा इफेक्ट है आपका लेस डिफेक्ट्स। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो नैनो मटेरियल्स में आपको मिलेंगे कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बल्क मटेरियल की तुलना में, और लेस डिफेक्ट्स होंगे। इन तीनों के कारण नैनो मटेरियल्स फैसिनेटिंग हैं, आकर्षक हैं आज के रिसर्च के क्षेत्र के अंदर। अब हम बात करते हैं कि नैनो मटेरियल्स जब इतना कम साइज है तो हम कैसे यूज करें उसको किसी भी एप्लीकेशन में डायरेक्टली। तो नैनो मटेरियल्स को हम डायरेक्टली यूज कर पाए ये सामान्यतः कम होता है। नैनो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कंपोजिट बनाकर या किसी दूसरी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। जब हम कंपोजिट बनाते हैं तो कंपोजिट दो या दो से अधिक जो मटेरियल्स हैं, फेजेस हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं किसी मटेरियल के अंदर नैनो कंपोजिट किसी मटेरियल के अंदर नैनो पार्टिकल डाल रहा हूं और कंपोजिट बना रहा हूं तो वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, जिस भी मैट्रिक्स, जिस भी पदार्थ के अंदर मैं नैनो मटेरियल डाल रहा हूँ उसके बीच में जब मैं पदार्थ को डालूंगा, नैनो मटेरियल्स को डालूंगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसकी जो वेटेबिलिटी है, दूसरे मटेरियल से जो कॉन्टैक्ट होने और उसके साथ जो एक बॉन्ड बनाने की जो फिजिकल बॉन्ड होगा उसको बनाने की जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, इंटरफेसियल एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी वेटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए नैनो मटेरियल्स होने से वेटेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी नेक्स्ट जो हम बात करें कि नैनो मटेरियल्स का और क्या क्या उपयोग है, तो नैनो मटेरियल्स को जनरली हम चिकित्सा क्षेत्र में भी देख रहे हैं। आजकल जो अनुसंधान चल रहे हैं उसके अंदर कि क्वांटम डॉट्स जो
20 नैनोमीटर साइज से कम साइज के सेमीकंडक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, और उनका जो बैंड गैप होता है वो इस तरह होता है कि वो दृश्य प्रकाश भी उत्सर्जित कर सकते हैं। तो इन क्वांटम डॉट्स को हम ड्रग डिलीवरी के रूप में भी वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर जो क्षतिग्रस्त शरीर का अंग है या कोई भी बीमारी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर जिसको हमें डिटेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम क्वांटम डॉट की सहायता से उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कलर वहाँ पर इमिट करेगा। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको नैनो मटेरियल्स की बताई है, उसके कारण आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नैनो मटेरियल्स पर रिसर्च कार्य चल रहा है। तो जो मेन बात हैं वो आप ध्यान रखें कि नैनो मटेरियल्स बल्क मटेरियल की तुलना में उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि वहाँ पर हम क्वांटम इफेक्ट भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। दूसरा जो लास्ट पॉइंट है, लेस डिफेक्ट्स, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इसके कारण उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टीज है लाइक कंडक्टिविटी वो भी ज़्यादा होती है। एक पॉइंट और है कि यदि मैं साइज कम करता हूँ, और स्पेशली जब मैं नैनो साइज रेंज के अंदर होता हूँ और वहाँ पर मैं साइज कम करते जा रहा हूँ, तो ये भी संभव है कि किसी पदार्थ का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए। और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होती हैं। तो जहाँ भी मुझे इस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है, मैं इस तरह का परिवर्तन करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर नैनो मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम साइज़ कम कर सकते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि अगर मैं साइज़ कम करता हूँ तो किसी भी पदार्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बहुत ही अधिक डिपेंड करती है कि उसका किसी भी मटेरियल का क्यूबिक स्ट्रक्चर है या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो जब हम साइज चेंज करते हैं तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ऑब्वियसली साथ में जो डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी परिवर्तित होती है। अब नैनो मटेरियल्स का ऐसा नहीं किसी एक फील्ड में उपयोग हो रहा है, नैनो जो मटेरियल्स हैं उनका, चाहे आप फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे मटेरियल साइंस ले लो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग ले लो, वहाँ पर इतने सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं नैनो मटेरियल्स के। कि अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करते हैं, हेलमेट्स की बात कर रहे हैं, तो हेलमेट्स भी आजकल जो नैनो मटेरियल्स डाल के बनाए जा रहे हैं, उससे उसकी टफनेस बढ़ जाती है। कम वेट के अंदर हम बहुत ही अधिक जो टफ मटेरियल है वो डेवलप कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल्स के काफ़ी सारे उपयोग हैं। तो ये सब कुछ नैनो मटेरियल्स के बारे में एक परिचय है। इसको आप जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसे ध्यान रखें, 1 to 100 नैनोमीटर्स का साइज होता है। नैनो मटेरियल्स होने से सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये सब इसके गुण हैं, और इसी कारण इनका उपयोग आजकल काफ़ी मात्रा में हो रहा है। थैंक यू। हम कुछ नैनो मटेरियल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स में है। नैनो मटेरियल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेफीन। जो हम ग्रेफाइट, हमें सबको पता है ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट की जब हम एक सिंगल सीट की बात करते हैं, ग्रेफाइट जो लेयर्ड होता है उसमें डिफरेंट सीट्स होती हैं, जब हम एक सिंगल सीट की बात करते हैं, उसको हम यदि एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको निकाल लें, तो वो ग्रेफीन कहलाती है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी इसका जो आकार है वो एक शीट की फॉर्म में हम समझ सकते हैं इसको। तो ये 2 dimensional आपको मटेरियल है ग्रेफीन। दूसरा है कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये भी 2 प्रकार की होती है, मल्टी वोल्ड और सिंगल वोल्ड। यदि इस ग्रेफीन शीट को मैं रोल कर लूं पेपर की तरह, यदि मतलब सिंगल पेपर है उसको मैं रोल कर देता हूं, तो इट इज द रोल्ड फॉर्म ऑफ दैट ग्रेफीन। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये ट्यूब की फॉर्म ले लेती है, इसको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हैं। यदि मेरे पास एक सिंगल लेयर है जिसको मैंने रोल किए, तो वो कार्बन नैनो ट्यूब सिंगल वोल्ड है, और यदि उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे कार्बन मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो ग्रेफाइट ही हो जाएगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में जब हमारे पास सीड्स होंगी तो उसको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स, मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स बोल देते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं, सिंगल वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स
सिंगल वोल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स, SWCNT। दूसरा है मल्टी वोल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स। ऐसे ही फुलिरीन करके भी एक एग्जाम्पल है, जो कार्बन 60 जिसको हम बोलते हैं फुलिरीन। उसके बाद जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो मेटल्स हों, यदि हम उनको इस रेंज में ले आए 1 to 100 नैनोमीटर, तो वो भी हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं। अब नैनो पार्टिकल्स में एक, जब हमने बात की कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हमारे पास मेटल नैनो पार्टिकल हैं, तो चूंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो बढ़ जाती है। उस केमिकल रिएक्टिविटी के बढ़ जाने के कारण उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। तो यदि मेटल्स हैं हमारे पास, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये कार्बोनेशियस मटेरियल्स हैं, जो कार्बन से रिलेटेड हैं, इनका ऑक्सीडेशन उनकी तुलना में बहुत ही कम होता है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर साथ में नैनो मटेरियल्स का होता है कि इनका जब हम साइज इस रेंज के अंदर ले जाते हैं, तो स्पेशली जब हम कार्बन नैनो ट्यूब या ग्रेफिन या कोई भी मेटल पार्टिकल की भी अगर हम बात करें, तो उनका जो आकार इतना कम होता है कि उनका जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि मटेरियल्स के अंदर एक वांडरवाल फोर्स भी होता है, जो सेकेंडरी वांडरवाल फोर्स होते हैं। तो जो वांडरवाल फोर्स होते हैं, वो काफ़ी कम उनकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब इनका हम वेट काफ़ी कम कर देते हैं, तो वो फोर्स वहाँ पर इफेक्टिव हो जाते हैं। और उसके इफेक्टिव हो जाने के कारण इनकी टेंडेंसी रहती है कि आपस में एग्लोमरेट हों, आपस में चिपक जाएं। तो नैनो मटेरियल्स में ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो एग्रीगेट बना लेते हैं, उनके वो एग्रीगेट बनने के कारण उनका जब हम यूटिलाइज करते हैं, जब उनको किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस मटेरियल के अंदर, उसको वो प्रॉपरली हो, प्रॉपरली वो डिस्पर्स हो, इसके लिए हमें इसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ता है कि ये उस मटेरियल के अंदर थ्रू आउट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसके लिए हम इसको फंक्शनलाइज करते हैं, इसके लिए हम एक कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, वॉन टू वॉल्स अट्रैक्शन, उसको ब्रेक कर देता है, और इसी कारण इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सकता है। तो नैनो मटेरियल्स की एक, चाहे उसको हम कमी बोल दें, तो ये है कि इनके बीच में वॉन टू वॉल फोर्स इफेक्टिव हो जाने के कारण इनके पास पास आकर लंप बनाने, यानी जो एग्रीगेट्स बनते हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पर इनका काफ़ी कम वेट हो जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वॉन टू वॉल फोर्स के कारण इनके एग्रीगेट्स बन सकते हैं। तो ये सभी नैनो मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं, और काफ़ी सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन नैनो मटेरियल्स की जो फ्यूचर में जो इनकी संभावना है, इनको यूज़ करके अलग अलग जो इनोवेशंस करने की जो इनकी संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले समय में नैनो मटेरियल्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने वाला है, हो रहा है, आगे भी होने वाला है। तो आप इससे अपडेट रहें। थैंक यू।